बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे झींगा मसाला, प्रॉन्स मसाला। झींगा मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए है झींगे, जिसे धो कर के अच्छे से साफ़ कर लिया है। बारीक कटे टमाटर, बारीक कटी प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिश मसाला, नींबू का रस, करी पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ले लेंगे एक बाउल, पहले हम झींगे को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे झींगे जो 400 ग्राम है वज़न में। 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नींबू का रस। अब हम इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे 25 से 30 मिनट के लिए, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पर हमने ले लिए है एक सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई और मेथी दाना आधा आधा चम्मच ले लिया है, इन्हें डाल देंगे। 8 से 10 इसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ता। इसमें हम डाल देंगे प्याज, यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ी फ्राई हो गई है, उसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, बारीक कटे टमाटर है, एक मीडियम साइज का टमाटर कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें, बहुत तीखी है तो मैं कम डाल रही हूँ, आप बढ़ा सकते हैं। मिर्चों में हमने चीरे लगा लिए हैं। अभी से हम अच्छे से टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पकने देंगे। आइए चेक कर लेते हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून ले लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ले लिया है हमने धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून फिश मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। फिश का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे मसालों के पकने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किए हुए झींगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे लो फ्लेम पर हम ढककर पकने देंगे। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है। 5-6 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। झींगे हमारे अच्छे से पक गए हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं, मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए। झींगे हमारे पक करके तैयार है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नींबू का रस, हरा धनिया, इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम कर लेंगे इसे डिश आउट। इस पर हम डाल देंगे कुछ हरा धनिया। झींगा मसाला हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। झींगा मसाला हमारा बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।